गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैमर्स का अगला वीडियो दे रहे हैं, शायद फोर्थ वीडियो मेरे हिसाब से मैमर कर रहे हैं। पहले तीन टर्म करा देता हूं। प्लांटीग्रेड मैमल क्या होते हैं? प्लांटीग्रेड मैमल्स, अच्छा डिजिटीग्रेड मैमल क्या होते हैं और अंगुलीग्रेड मैमल क्या होते हैं? जब मैमल चलता है तो उसके पैर का पूरा तलवा धरती को टच करे। प्लांटीग्रेड मैमल्स क्या होते हैं? एक दो बच्चों की गाय बोला सर आप लिखते हो तो आप बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हो और फिर मिटा देते हो तो इसलिए दिखता नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि गलती ना हो जाए। प्लांटीग्रेड मैमल्स क्या होते हैं? जब ये चलते हैं तो इनके पैर का तलवा ग्राउंड को टच करता है। इन दीज मेमल्स, इन मेमल्स में जो सोल है, सोल तलवे को बोलते हैं, सोल मतलब तलवा, पैर का तलवा जो होता है, उंगलियों के नीचे और पीछे वाला हिस्सा, तलवा उंगलियों का पीछे वाला हिस्सा। इन दीज मेमल सोल टच द ग्राउंड, ग्राउंड को तलवा टच करेगा। एग्जाम्पल हुमेन एंड बियर, ये प्लांटीग्रेड एनिमल है। ये एनिमल उंगलियों पे चलते हैं। दीज मैमल्स मूव ऑन डिजिट्स, उंगलियों पे चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे डॉग कैट है, ये उंगलियों पे चलते हैं। एक तो उंगलियों पे ऐसे चले, ऐसे उंगलियों पे, ये देखो प्लांटीग्रेड में तो यूं चलेगा, यूं पैर का तलवा टच करेगा, डिजिटीग्रेड में उंगलियों पे चलेगा ऐसे, और उंगलियों के भी टिप पार्ट पे चलता है उंगलीग्रेड बोले। डिजिटीग्रेड में उंगलियों पे चलेगा, प्लांटीग्रेड में पूरा सोल टच करेगा, डिजिटीग्रेड में उंगलियों पे चलेगा और अंगुलीग्रेड में उंगलियों का टिप पार्ट पे चलेगा। तो दीज मैमल्स मूव ऑन द टिप ऑफ द डिजिट्स, उंगलियों के टिप पार्ट पे चलेगा अंगुली ग्रेड में। एग्जाम्पल हॉर्स, और हॉर्स के अलावा कुछ कैटल्स, पशु भी। घोड़े में एक उंगली पे चलता घोड़ा जो है थर्ड डिजिट के ऊपर, तीसरी उंगली पे चलता हॉर्स। अगर क्वेश्चन आ जाए हॉर्स कितनी डिजिट पे मूव करता है तो बोलोगे वन डिजिट पे, वो भी थर्ड नंबर की, इस उंगली पे चलता घोड़ा। ये उंगलियां खत्म हो गई उसके एवोल्यूशन में, थर्ड डिजिट बची है, थर्ड डिजिट पे हॉर्स चलता है। अच्छा अब कुछ एनिमल एक एक करके निकालते हैं। तापिर, तापिर मैंने कहा था पेरिसोडक्टाइल का ग्रुप में आता है। उंगलियों का नंबर ओड हो, 135 हो तो पेरिसोडक्टाइल लगा था, उसमें तापिर आता है। तापिर नक्चरनल है, रात को एक्टिव होता है, हर्बीवोर्स है, तापिर जो है रात को एक्टिव होता है, रात को घास वगैरह खाता है, हर्बीवोर्स है। मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराना पेरिसोडक्टाइल है, मोस्ट प्रिमिटिव पेरिसोडक्टाइल डिजिट, इसमें हॉर्स एस डंकी म्यूल सब आते हैं, तो पेरिसोडक्टाइल में सबसे पुराना तापिर है। पेरिसोडक्टाइल में सबसे पहले जो इस अर्थ पर आया वो तापिर आया है, मोस्ट प्रिमिटिव सबसे पुराना पेरिसोडक्टाइल आया है। नक्षत्र है हर्बिवोर्स, इनमें तापिर में एलिफेंट की तरह प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस प्रेजेंट, हाथी की तरह से प्रोबोसिस होता है। मैं फिर बता देता हूं जो है, अगर चलता हो कोई एनिमल उसका पूरा का पूरा पैर टच करे ग्राउंड को, सोल पूरा तलवा ग्राउंड को टच करे तो प्लांटीग्रेड एनिमल बोलेंगे। उंगलियों पे कोई एनिमल चलता हो डिजिटीग्रेड एनिमल बोलेंगे। उंगलियों के टिप पार्ट पे चले अंगुलीग्रेड एनिमल बोलेंगे। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, हुमेन बियर प्लांटीग्रेड, डिजिटीग्रेड में आ गया डॉग कैट, अंगुलीग्रेड में आ गया हॉर्स कैटल्स। फिर मैंने बताया तापिर मैमल के बारे में, पेरिसोडक्टाइल ग्रुप में आता है, पिछले वीडियो में बता दिया मैंने पेरिसोडक्टाइल क्या होता है,
उंगलियों का नंबर ओड होता है 1, 3, 5। तापिल सबसे पुराना ओल्डेस्ट या प्रिमेटिव पेरिसोडक्टाइला है, रात को एक्टिव होता है लेकिन घास वगैरह खाता है। सूंड होता है हाथी की तरह से, हाथी की तरह से ऊपर वाला होठ और नोज ऐसे यूं खिंच जाते हैं और प्रोबोसिस बन जाते हैं। तो एलिफेंट में तो प्रोबोसिस होता ही है, तापिर में भी प्रोबोसिस होता है। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूं इसको। दूसरे बात है, राइनोसिरस जो होता है उसका यूरिन जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक बोलते हैं जो केमिकल माइक्रोब्स को किल करे, इसका यूरिन माइक्रोब्स को किल कर देता है, दवा की तरह से काम करता है। एंटीसेप्टिक मतलब जो कोई नहीं होता, चोट लग जाती क्रीम लगाते हैं, डिटोल भी एंटीसेप्टिक होता है, माइक्रोब्स को मार दे, जो माइक्रोब को मार दे उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जो तुम बोले जी माइक्रोब्स तो एंटीबायोटिक भी मारती है, एंटीबायोटिक तो माइक्रोब से ही ओरिजिनेट होती है, एंटीसेप्टिक केमिकल होते हैं। जो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दोनों ही माइक्रोब को मारती है, लेकिन एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से ही निकलती है, बैक्टीरिया फंगस से निकलती है, एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया फंगस से नहीं निकलते, इंडस्ट्री में बनते हैं। जो तो यूरिन भी एंटीसेप्टिक होता है, जो इसका कहीं अगर माइक्रोब वगैरह है तो यूरिन अगर लगा दोगे तो माइक्रोब्स मर जाएंगे, एंटीसेप्टिक होता है। राइनोसेरस का यूरिन। जिराफ, जिराफ की लेंथ कितनी होती है, कितना हाइट कितनी होती है, हम बोले 16 फीट। जिराफ जो होता है 16 फीट तो हाइट का होता है, जो हमारी हाइट लगभग 5.5-6 के बीच में होती है, तो 3 गुना हाइट हमारे से बड़ी होती है। जिराफ जो होता है 3 गुना हमारे से ज्यादा हाइट का होता है। जो हॉर्न मिलते हैं इन बोथ सेक्स, मेल फीमेल दोनों में सींग मिलते हैं, जो इसके अंदर हॉर्न मिलते हैं दोनों सेक्स के अंदर, लेकिन ये हॉर्न्स नॉन डेस्ट्रस होते हैं, गिरते नहीं है। जो जिराफ के सींग नीचे नहीं गिरते हैं, यानी नॉन डेस्ट्रस होता है, जिराफ के सींग गिरते नहीं है, नॉन डेस्ट्रस है। और सींग जो दोनों सेक्स में होते हैं, मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं, जिराफ में जिराफ के सींग जो होते हैं मेल फीमेल दोनों में होते हैं, जो जिराफ के अंदर सींग गिरते नहीं है, ये जो सींग जो है। तो इस तरह से ये जिराफ होता है। जेब्रा की अगर मैं बात करूं, जेब्रा में हॉर्न नहीं होते, नो हॉर्न्स, जेब्रा में सींग नहीं होते। जो जेब्रा में विजन पावर, सॉरी जो है विजन नहीं, स्मेल पावर एंड हियरिंग पावर इज मोर, सुनने की पावर बहुत ज्यादा है, जेब्रा को बहुत ज्यादा सुनता है जो, और जेब्रा के सूंघने की पावर बहुत ज्यादा है, दूसरे किसी चीज को सूंघ लेता है। जो जेब्रा में सुनने की पावर बहुत ज्यादा है, सूंघने की पावर भी बहुत ज्यादा है, जेब्रा के अंदर सुनता भी ज्यादा है, सॉरी सूंघता है और सुनता है, दोनों चीज में काफी तेज है जेब्रा के अंदर। जो अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब मैं लेता हूं प्राइमेट्स। पहले ऐसा करता हूं इसमें रैबिट और हेयर में डिफरेंस करवा देता हूं। मुझे रैबिट में और हेयर में क्या डिफरेंस है, दोनों खरगोश, रैबिट को भी खरगोश बोलते हैं, हेयर को भी खरगोश बोलते हैं, दोनों को खरगोश बोलते हैं, दोनों डिफरेंस किया है। जो हेयर जो है सोलिटरी होता है, अकेले मिलता है, जो जबकि रैबिट जो है वो ग्रेगेरियस होता है। जो रैबिट या खरगोश ग्रुप में मिलता है, ग्रुप में मिलते हैं उसको ग्रेगेरियस होते हैं, हेयर अकेला मिलता है। जो हेयर नॉक्टर्नल है, हेयर ये वाला खरगोश जो है रात को एक्टिव होता है, जबकि ये क्रिपस्कुलर है। जो क्रिपस्कुलर का मतलब होता है जो ओरल भी हो और वस्परल भी हो, ओरल का मतलब होता है एक्टिव ड्यूरिंग डॉन या एक्टिव ड्यूरिंग मॉर्निंग, ये एक्टिव ड्यूरिंग इवनिंग, एक्टिव ड्यूरिंग इवनिंग।
जो सुबह सुबह एक्टिव हो उसको ओरोनल बोलते हैं, जो शाम को एक्टिवेट हो उसको वेस्परल बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं क्रिपस्कुलर। रैबिट क्रिपस्कुलर है, रात को भी एक्टिव होता है, शाम को भी एक्टिव होता है, वेस्परल भी है और ओरोनल भी है, तो दोनों को क्रिपस्कुलर बोलते हैं। जो हेयर जो है वो नक्चरल होता है, ये रात को एक्टिव होता है जो है। इसके अलावा हेयर और रैबिट में डिफरेंस, ये एक बार में दो या तीन बच्चे देता है जो है। इट गिव बर्थ टू, इट गिव बर्थ टू टू और थ्री ऑफ स्प्रिंग, ये दो या तीन बच्चे एक बार में देता है जो। जबकि रैबिट इट गिव बर्थ टू मैनी ऑफ स्प्रिंग्स, सिक्स टू एट, सिक्स ऑफ स्प्रिंग्स नियरली। हेयर वाला जो खरगोश, ये वाला खरगोश दो से तीन बच्चे एक बार में देता है जो। ये बच्चे पैदा करता है छह से आठ, या छह बच्चे तक एक बार में, एक बार में छह बच्चे दे देगा खरगोश। ये वाला रैबिट ये देता है टू से थ्री ऑफ स्प्रिंग्स। अच्छा, रैबिट का साइंटिफिक नेम होता है ओरिक्टोलेगस। रैबिट का साइंटिफिक नेम है ओरिक्टोलेगस। हेयर का साइंटिफिक नेम है लेपास। हेयर वाले खरगोश का साइंटिफिक नेम लेपास है और रैबिट का है ओरिक्टोलेगस साइंटिफिक नेम ये। अच्छा, इसके अलावा जो है पीछे वाले कान का जो पिन्ना होता है, पिन्ना एंड हाइंड लिम्स, पिन्ना एंड हाइंड लिम्स आर कंपेरेटिवली लॉन्ग, कंपेरेटिवली लॉन्ग, जबकि इनके स्मॉल होते हैं। इस खरगोश का जो है पिन्ना, कान का जो पिन्ना होता है बाहर, कान का ये वाला ऐसा पिन्ना होता है, ये वाला पिन्ना भी लंबा है और पीछे वाले पैर भी लंबे हैं, इसके थोड़े कंपेरेटिवली छोटे हैं जो। तो इस तरह से हम बोलते हैं होते हैं। कुछ रैबिट के दो तीन कैरेक्टरिस्टिक और डाल सकते हो जो, रैबिट के अंदर दो तीन कैरेक्टरिस्टिक और डाल सकते हो जो, कि ये क्या क्या होता है। कर्सोरियल है, कर्सोरियल का मतलब फास्ट रनिंग शो करता है, दौड़ता, तेज दौड़ता है। फोसोरियल है, फोसोरियल मीन्स फाउंड इन बुरोस। कर्सोरियल है तेज दौड़ता है रैबिट, फोसोरियल है बिल में रहता है रैबिट, और फोसोरियल है, कर्सोरियल है, कोप्रोफेगस है। कोप्रोफेगस का मतलब ईट ऑन फेसिस, अपना लैट्रिन खुद खा लेता है जो। ईट ऑन फेसिस चाहे यू बोल दो, फूड इसके एलिमेंट्री के नाम में दो बार जाता है। कोप्रोफेगस मीन्स फूड इज ट्रांसफर्ड, फूड इज ट्रांसफर्ड टू टाइम इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में फूड दो बार जाता है, एक बार फूड जाएगा फिर लैट्रिन बन जाएगा, फिर लैट्रिन को फिर खा लेगा, फिर फेसिस जाएगा। खरगोश जो है एक बार खाना खाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो लैट्रिन बन के बाहर आ जाएगा, उस लैट्रिन को फिर खा लेगा जो, फिर दोबारा जाएगा, अब पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा जो। तो इसको क्या बोलते हैं, कोप्रोफेगी बोलते हैं, अपना लैट्रिन खुद खा ले या फूड दो बार जाए एलिमेंट्री कैनाल से, इसको कोप्रोफेगस बोलते हैं। तो रैबिट की कोप्रोफेगी फिनोमेना फेमस है। रैबिट तो कोप्रोफेगस है, खुद का फेसिस खाता है, जो पिग है सुअर है वो इंसान का फेसिस खाता है, नाली में से फेसिस खाता है वो इंसान का जो, क्योंकि ये खुद का ही फेसिस खाता है, खुद का ही लैट्रिन खाता है जो। तो इस तरह से हम बोलते हैं, ये होते हैं रैबिट के अंदर जो है। तो रैबिट हर्बीवोर्स भी है, रैबिट हर्बीवोर्स भी है जो प्लांट्स के प्रोडक्ट खाता है जो। तो इस तरह से हम बोलते हैं रैबिट होता है जो। और हेयर और रैबिट में डिफरेंस था, अब मैं करा रहा हूं प्राइमेट, अगला टॉपिक में करवा रहा हूं।
प्राइमेट, प्राइमेट्स या प्राइमेटा ऑर्डर करा रहा हूं, प्राइमेटा ऑर्डर करा रहा हूं मैं। प्राइमेटा ऑर्डर को दो ग्रुप में बांट देते हैं, जो प्रोसीमियन और सीमियन। प्रोसीमियन में तीन एनिमल आते हैं, जो लिमर, लोरिस एंड टार्सियल। प्रोसीमियन में तीन आते हैं, लिमर, लोरिस और टार्सियल। सीमियन में आते हैं मंकी, एप्स एंड हुमेन। मंकी, एप्स और हुमेन इनको सीमियन बोलते हैं, लिमर, लोरिस, टार्सियल को प्रोसीमियन बोलते हैं। जो इन तीनों पे आते हैं, जो लोरिस फाउंड इन इंडिया, कहां पे, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। एक लोरिस की टाइप है जो आसाम में मिलती है, जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में तो नीलगिरी की पहाड़ियां होती है। अब ये नहीं बताया कि नीलगिरी हिल्स में मिलता है क्या, तीनों स्टेट के अंदर, तीनों स्टेट में मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। चलो कहीं पर मिलता हो, लेकिन तीनों स्टेट में जहां नीलगिरी की पहाड़ियां मिलती है, उन तीनों स्टेट में लोरिस मिलता है, आसाम में मिलता है। लोरिस में टेल नहीं होती, नो टेल, लोरिस में टेल नहीं होती जो। अच्छा, लीमर मिलता है, इसमें टेल प्रेजेंट है, लेकिन नॉन प्रीहेंसाइल टेल है, नॉन प्रीहेंसाइल टेल। जो टेल किसी चीज के लपेट दी जाए तो प्रीहेंसाइल बोलते हैं, जो किसी चीज के लिपट दी जाए, अगर कोई टेल किसी चीज के लिपट जाए तो प्रीहेंसाइल बोलते हैं, लेकिन लीमर की टेल जो नॉन प्रीहेंसाइल है, किसी चीज के लिपटती नहीं है, और नॉन प्रीहेंसाइल टेल है लीमर में। ये मिलता है मेडागास्कर में, जो पता नहीं कहा है मेडागास्कर जगह, तुमने ज्यादा सुनी होगी बेटा आप लोगों ने, जो मेडागास्कर जगह मिलता है, टेल प्रीहेंसाइल नहीं है इसकी, नॉन प्रीहेंसाइल टेल है लीमर की जो। अच्छा, इसके अलावा टार्सियल जो है, इसका नाम टार्सियल इसलिए है, पैर के अंदर एक बोन होती है टार्सल, वो लंबी है, टार्सल पार्ट इज लॉन्ग। टार्सल पार्ट एडी वाला पार्ट होता है, जो हील वाला पार्ट, टार्सल पार्ट किसको बोलते हैं, हील वाला पार्ट, एडी वाला, हील या एडी वाला पार्ट लंबा है, इसलिए इसको टार्सल पार्ट लंबा है, इसलिए इसको टार्सल बोलते हैं, जो हील या एडी वाला पार्ट लंबा है, इसलिए इनको टार्सियल बोलते हैं, टार्सल पार्ट लंबा है, इसलिए इनको टार्सियल बोलते हैं जो। और इसकी टेल में, टेल में हेयर्स ऑन द टिप, लार्ज हेयर ऑन द टिप, बड़े बड़े बाल है पूछ के ऊपर, ये टेल है, तो इस लास्ट में से हेयर है, लार्ज हेयर है इसके टिप पार्ट पे टेल के ऊपर जो। तो तीन होते हैं लिमर, लोरिस, टार्सियल। इसलिए मैंने कहा था लिमर एक डर्मोपटेरा ग्रुप में लिमर आता है, वो नकली लिमर है। लिमर प्राइमेट होते हैं, जो लिमर प्राइमेट होते हैं, तो लिमर वो जो डर्मोपटेरा ग्रुप में लिमर था वो लिमर नहीं था, जो ये लिमर है, जो लिमर, लोरिस, टार्सियल, इनको प्रोसीमियन बोलते हैं जो। अब आओ प्राइमेटा ग्रुप, नॉर्मली कोई एक्सेप्शन मिल सकती है, प्राइमेटा के अंदर बोलते हैं नेल प्रेजेंट है, एक्सेप्शन मिलती है, लेकिन नॉर्मली याद रखना जिनमें नाखून हो उनको प्राइमेट बोलते हैं, जिनमें मतलब नेल हो नाखून हो प्राइमेट बोलते हैं, तो प्रोसीमियन भी आ गए। अब आते हैं मंकी और एप्स और हुमेन, तो हम बोले मंकी में टेल प्रेजेंट होती है, मंकी में टेल प्रेजेंट होती है, एप्स में टेल नहीं होती, नो टेल। तो मंकीज पे आते हैं पहले हम, जो मंकी दो टाइप के होते हैं, जो तो मंकी दो टाइप के होते हैं, पहले मंकी निकालता हूं, फिर एप्स निकालूंगा, फिर हुमेन पाऊंगा मैं। मंकी दो टाइप के होते हैं, जो एक होता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एक होता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एक होता है न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो होते हैं
ये मिलते हैं फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। ओल्ड वर्ल्ड मंकी मिलते हैं एशिया और अफ्रीका में। न्यू वर्ल्ड मंकी बोलते हैं फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका में न्यू वर्ल्ड मंकी बोलते हैं, एशिया अफ्रीका वाले को ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोलते हैं। हम बोलते हैं ये पुरानी दुनिया है, एशिया अफ्रीका की दुनिया को पुरानी दुनिया बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड में जो बंदर मिलेंगे उनको ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोलेंगे। अमेरिका वाली दुनिया को न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, जो वहां जो बंदर मिलेंगे उनको न्यू वर्ल्ड मंकी बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड में मिलेंगे वो जो। अच्छा, इसके अलावा हमारे वाले जो बंदर होते हैं इनमें ईस्टियल कलोस्टिस प्रेजेंट होती है। ईस्टियल कलोस्टिस प्रेजेंट, वहां के बंदरों में ईस्टियल कलोस्टिस एब्सेंट होती है। तुम बोलोगे जी ईस्टियल कलोस्टिस होती है, तो मैं बोलूंगा हिप जो होते हैं, हिप के ऊपर बंदरों को कभी देखना गौर से, हिप के ऊपर लाल लाल ऐसे होते जैसे पैड रखी हुई हो, पैड गद्दे हो, लाल लाल गद्दे लगा दिए गए हो हिप्स के ऊपर। बंदरों को देखना ऐसा लगेगा जैसे लाल गद्दे लगा दिए हो हिप्स के ऊपर, जो उसको ईस्टियल कैलोस्टिस बोलते हैं। जो ईस्टियल कैलोस्टिस रेड कलर की पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे बंदरों में मिलती है, वहां के बंदरों में नहीं मिलती। जो इसके अलावा वेस्टिब्यूल चीक पाउच प्रेजेंट, यहां वहां वाले बंदरों में एब्सेंट होते हैं। जो चीक पाउच एब्सेंट, ये हमारा जो चीक होता है ये चीक गाढ़ो, इसके नीचे पाउच होते हैं बंदरों में। ये जो चीक है इसमें पाउच होते हैं, थैला सा होता है, तो चीक पाउच जो होते हैं वो हमारे बंदरों में होते हैं, अमेरिका वाले बंदरों में नहीं होते हैं चीक पाउच जो है। टेल हमारे वाले बंदरों की नॉन प्रीहेंसाइल टेल होती है, नॉन प्रीहेंसाइल टेल होती है, और वहां वाले बंदरों की प्रीहेंसाइल टेल होती है। प्रीहेंसाइल टेल होती है जो किसी भी पत्थर के भी लपेट के पत्थर भी मार सकता है प्रीहेंसाइल टेल से। जो नॉन प्रीहेंसाइल टेल किसी भी कवर मुड़ नहीं सकती, जो ऐसे जो मुड़ नहीं सकती जो, तो इस तरह से हम बोलते हैं ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकी का एक एग्जांपल है रिसस मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी का एग्जांपल है रिसस मंकी, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकी का एग्जांपल है स्पाइडर मंकी। रेवाड़ी में कई सब्जी मंडी है, रेवाड़ी में जो सब्जी मंडी है वहां बंदर देखे होंगे, वो बंदर रिसस मंकी है। जो बंदर सब्जी मंडी में तुमने देखे हैं, बस स्टैंड में जो देखे हैं, वो रिसस मंकी है जो, जबकि ये न्यू वर्ल्ड मंकी जो है ये अमेरिका के बंदर है। स्पाइडर मंकी जो है ये अलग बंदर होते हैं, हमारे यहाँ बंदर अलग होते हैं। इसमें आरएस ब्लड ग्रुप डिस्क हुआ है, रिसस मंकी में आरएस ब्लड ग्रुप डिस्क हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ना, आरएस पॉजिटिव आरएस नेगेटिव, वो रिसस मंकी में डिस्क हुआ है। और रिसस मंकी ये नॉर्मल बंदर होता है, जो जिस तरह से नॉर्मल मच्छर काटता हमारे को उसको क्यूलेक्स बोलते हैं। नॉर्मल जो मच्छर हमारा काटता है वो क्यूलेक्स होता है, घरों में जो होता है, तो नॉर्मल जो बंदर होता है वो रिसस मंकी होता है यहाँ का। जो तो लंगूर को बैबून बोलते हैं, जो लंगूर जो होता है उसको बैबून बोलते हैं लंगूर को जो। तो इस तरह से ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी में डिफरेंस होता है। अब मैं लेता हूं प्राइमेट्स कितने टाइप के होते हैं। ये प्राइमेट्स चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटन और गिबन, चार टाइप के एप्स होते हैं जो चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटन, गिबन। चिंपांजी वाइजेस्ट एप्स है, वाइजेस्ट एप्स, जब सबसे ज्यादा दिमाग वाला एप्स चिंपांजी है, सबसे ज्यादा दिमाग चिंपांजी में होता है। लार्जेस्ट एप्स गोरिल्ला है,
लार्जेस्ट एप्स गोरिल्ला है, सबसे डेंजरस एप्स गोरिल्ला है, सबसे खूंखार एप्स गोरिल्ला है, चिंपांजी का साइंटिफिक नेम होता पैन, साइंटिफिक नेम ऑफ चिंपांजी इज पैन, गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम गोरिल्ला ही है, गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला का जीनस नेम गोरिल्ला, गोरिल्ला की स्पीसीज नेम गोरिल्ला, यानी टोटोनिम हो गए, टोटोनिम एनिमल पे अप्लाई होते हैं, प्लांट पे अप्लाई नहीं होते हैं, तो जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों सेम होते, क्या बोलते हो, टोटोनिम्स, जीनस नेम और स्पीसीज नेम से बोलो टोटोनिम बोलते हैं, तो गोरिल्ला गोरिल्ला ये टोटोनिम्स है, प्लांट पे अप्लाई नहीं होते गोरिल्ला, ये ऐसे नाम जो जीनस स्पीसीज नेम सेम हो, एनिमल पे अप्लाई होते हैं, तो गोरिल्ला गोरिल्ला टोटोनिम्स है, कॉमन नेम गोरिल्ला, जीनस नेम गोरिल्ला, स्पीसीज नेम गोरिल्ला, और दोनों ही एप्स अफ्रीका में मिलते हैं, चिंपांजी और गोरिल्ला दोनों ही एप्स अफ्रीका के एप्स है, इसके अलावा दो एप्स और बच गए जो है, दो एप्स और बच गए, ओरंगउटान का साइंटिफिक नेम है पोंगो, और इसकी फैमिली है पोंगिडी, पोंगिडी फैमिली, साइंटिफिक नेम ओरंगउटान का पोंगो है, पोंगिडी फैमिली है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड बेली एप्स, ब्रॉड बेली एप्स, चौड़े पेट वाला एप्स बोलते हैं इसको, ओरंगउटान बोलते हैं, इसका पेट चौड़ा होता है, कहां मिलता है, फाउंड इन इंडोनेशिया, ओरंगउटान को चौड़े पेट वाला एप्स बोलते हैं, ब्रॉड बेली एप्स इंडोनेशिया में मिलता है ओरंगउटान, और ये पेड़ों के टिप पार्ट पे नेस्ट बना कर रहता है, फाउंड ऑन द टिप ऑफ ट्रीज इन नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, पेड़ के टिप पार्ट पे घोंसला सा बना लेगा, नेस्ट बना लेगा, उसमें रहेगा ये जो है ओरंगउटान जो है, इस तरह से ओरंगउटान होता है जो इंडोनेशिया मिलता है, पोंगिडी फैमिली, पोंगो साइंटिफिक नेम है, चौड़े पेट वाला एप्स है, पेड़ों के ऊपर नेस्ट घोंसला जैसा बना देता है, फिर रहता है उसके ऊपर, गिबन अकेला एप्स जो इंडिया में मिलता है, जो ओनली एप्स फाउंड इन इंडिया, इंडिया में मिलने वाला अकेला एप्स जो इंडिया में मिलता है, साइंटिफिक नेम है इसका हेलोबेट्स, इंडिया के अंदर मिलता है अकेला एप्स गिवन, कहां मिलता है, फाउंड इन आसाम हिल्स, आसाम की पहाड़ियों में मिलता है, फाउंड इन आसाम हिल्स, तुम बोलोगे जी हमने तो चिंपांजी गोरिल्ला भी देखे हैं सर्कस में देखे हैं, वो अलग बात है, नेचुरल कंडीशन में जो एप्स मिलता है जो वो गिबन्स मिलता है, अगर तुम वैसे जू में या कहीं पे सर्कस में ले आओ चिंपांजी गोरिल्ला वो अलग है, मूवी में ले आओ चिंपांजी गोरिल्ला वो अलग है, चिंपांजी गोरिल्ला अफ्रीका के एप्स है, गिबन है जो इंडिया के अंदर मिलता है, आसाम की पहाड़ियों में मिलता है, साइंटिफिक नेम हेलोबेट्स है, फैमिली इसकी जो है कौन सी होगी, जैसे पोंगो की, जैसे पोंगो की फैमिली पोंगिडी, उसी तरह हेलोबेट्स की फैमिली हेलोबेटिडी, हेलोबेटिडी फैमिली होती है, हेलोबेटिडी फैमिली है एप्स की, गिबन की जो सबसे क्लीन एप्स है, जो मोस्ट क्लीन एंड जेंटल एप्स, इसकी फैमिली हेलोबेटिडी है, हेलोबेट्स की फैमिली हेलोबेटिडी,
और मोस्ट क्लीन, साफ सुथरा है और नोबल लिप्स है, मतलब बहुत, मतलब क्या बोलना चाहिए वर्ड्स, नोबल एप्स है, जो जो मतलब समझदार एप्स है जो गिबन्स जो है। इंडिया के बंदरों में भी ईस्टेल कलोस्टिज मिलती है, गिबन में भी ईस्टेल कलोस्टिज मिलती है, ईस्टेल कलोस्टिज प्रेजेंट। गिबन जो है इसमें ईस्टेल कलोस्टिस बताए थे ना अभी, हिप्स के ऊपर, बटक के ऊपर या हिप्स के ऊपर पैड होते हैं, पैड लाल लाल पैड होते हैं जो, उनको ईस्टेल कलोस्टिस बोलते हैं जो, वो बंदरों में, यहाँ के बंदरों में मिलती है, गिबन में मिलती है जो, तो इस तरह से बोलते हैं ये एप्स होते हैं जो। अब तुम बोलोगे जी एप्स और हुमेन में डिफरेंस बता दो क्या है, सिमिलरिटी और डिफरेंस। गिबन में हेलोबेट साइंटिफिक में फैमिली हेलोबेट इंडिया, अकेला एक सौ इंडिया मिलता है, आसाम की पहाड़ियों में मिलता है, और काफी साफ सुथरा एप्स है, जेंटल एप्स है, ईस्टर्न कलोस्टी प्रजेंट है। और इसके अलावा हमारा ये एप्स जो होते हैं और वुमेन में क्या डिफरेंस है, हाँ दोनों में टेल नहीं होती, नो टेल, बंदरों में टेल होती है, एप्स और वुमेन में टेल नहीं होती, फिर डिफरेंस क्या है दोनों में जो, बड़े बाल होते हैं एप्स के ऊपर, लाल हेयर, लाल हेयर प्रेजेंट होते हैं, इनमें बाल छोटे होते हैं, स्मॉल हेयर। दूसरे पे एप्स के हाथ बड़े होते हैं, हमारे पैर बड़े होते हैं, हमारे हैंड लिम्स या लेग्स आर लॉन्गर देन फोर लिम और आर्म्स या हैंड, आर्म्स दर्दिंग फोर लिम्स लिम हो जाए, हमारे जो आगे वाले ये हाथ जो है छोटे होते हैं, पैर बड़े होते हैं, हैंड लिम्स बड़े होते हैं, पैर छोटे होते हैं, इनमें उल्टा होता है, तो पैर बड़े होते, पैर छोटे तो हाथ बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसे, तो इनमें फोर लिम्स जो है हाथ बड़े होते हैं, फोर लिम्स आर लॉन्गर देन हैंड लिम्स। हमारे हाथ बड़े होते, हमारे पैर बड़े होते हैं, इनके हाथ बड़े होते हैं। तीसरा इसमें वुमेन में फोर कर्व्स इन वर्टिकल कॉलम, चार कर्व होते हैं हमारे बैकबोन में, हमारी बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी में से चार कर्व होते हैं ऐसे, लेकिन हमारी बैकबोन में रीढ़ की हड्डी में चार कर्व होते हैं ऐसे, एप्स में सिंगल कर्व होता है, सिंगल कर्व इन बैकबोन, हमारी बैकबोन में चार कर्व है, इनकी बैकबोन में सिंगल कर्व है जो। अच्छा इसके अलावा ये हमारे देखो ये आंखों में, इसको ब्रोरिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ऊपर वाले हिस्से को, ब्रोरिज, ब्रोरिज ये लेस प्रोमिनेंट है हमारे अंदर, कम दिखती है, लेकिन एप्स की ब्रोरिज बहुत बाहर की तरफ निकली होती है, मोर प्रोमिनेंट। ब्रोरिज जो होती है इनकी बहुत दिखती है आंखों के ऊपर जो है, हमारे अंदर कम है। दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम जो, दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड होता है पोलक्स, एक होता है हेलेक्स। पोलक्स बोलते हैं पीओ डबल एल ई एक्स थंब को, हेलेक्स बोलते हैं
पोलक्स हाथ का अंगूठा है, हेलक्स पैर का अंगूठा है, थम हाथ के अंगूठे को बोलते हैं, ग्रेट टोक पैर के अंगूठे को बोलते हैं। तो थम या हाथ का अंगूठा है, थम इसका दूसरा नाम है पोलक्स, और ग्रेट टोक पैर का अंगूठा है उसका दूसरा नाम है हेलक्स। इस एप्स में पोलक्स एंड हेलक्स बोथ आर अपोजेबल। देखो गौर से हाथ को, ये उंगलियां इधर जा रही है, अंगूठा इधर जा रहा है, इसको अपोजेबल बोलते हैं, 90 डिग्री बनाना एंगल। हाथ की उंगलियां और पैर का अंगूठा, हाथ की उंगलियां और हाथ का अंगूठा, हाथ की उंगलियां और हाथ का अंगूठा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सीधा जा रहा है, ये 90 डिग्री पे जा रहा है, इसको बोलता है अपोजेबल, ताकि ग्रास्पिंग पावर ज्यादा रहे, ग्रास्पिंग पावर के लिए होता है अपोजेबल थंब। तो एप्स के अंदर हाथ का अंगूठा पैर का अंगूठा, हमारे अंदर हाथ का अंगूठा अपोजेबल है, पैर का अंगूठा जाता है इस तरह से नहीं जाता, वो पैरेलल जाता है उंगलियों के, जो पैर का अंगूठा पैरेलल जाता है, हाथ का अंगूठा 90 डिग्री पे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हाथ वाले को अपोजेबल, पैर वाले को बोलेंगे अपोजेबल नहीं है। क्या लिखूं, जो थंब है या पोलक्स है वो अपोजेबल है, हेलक्स या ग्रेटो है वो नॉन अपोजेबल है, लेकिन लेकिन यहां पे एप्स में दोनों ही अपोजेबल है, हाथ का अंगूठा भी ऐसा ही होता है, पैर का अंगूठा भी ऐसा ही होता है, दोनों ही ग्रास्पिंग में यूज होते हैं। जो हमारा सिर्फ हाथ का अंगूठा अपोजेबल है, यानी पोलक्स या थंब अपोजेबल है, ग्रेट टो या हेलक्स अपोजेबल नहीं है, वो पैरेलल जा रहा है, इसमें दोनों ही अपोजेबल होते हैं। और भी डिफरेंस होते हैं एप्स में और हुमेन में, जितने बुकों ने लिए मैंने उतने ही करवा रहा हूं, क्योंकि एक प्राइमेट को कितने भी डिटेल में ले सकते हैं हम, जो तो प्लस टू में है, पूरा चैप्टर है एवोल्यूशन का, पूरा चैप्टर है ह्यूमन एवोल्यूशन का, कम से कम 15-20 पेज है जो ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर है, तो उसमें सब कुछ बता सकते हैं, ये सारी बातें पूरी डिटेल कितनी भी ले सकते हो, क्योंकि ट्रूमैन की बुक में जितना लिया है मैंने उतना उतना करवाया प्राइमेट्स को, जो सारा डिटेल में लिया जितना ट्रूमैन में उतना करवाया मैंने जो। तो ये डिफरेंस है, और एक डिफरेंस और भी ले लो, स्पोकन एंड रिटन जो लैंग्वेज होती है, हम बोल सकते हैं, बोल के बता सकते हैं और लिख के बता सकते हैं, ये लैंग्वेज जो होती है स्पोकन और रिटन, ये वुमेन में होती है, एप्स में नहीं होती, एप्स में और वुमेन में ये डिफरेंस है, ये स्पोकन और रिटन लैंग्वेज वुमेन में होती है, एप्स में नहीं होती। अभी एक मैंने और बताया था, जो भी ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी में एक डिफरेंस और ले सकते हो, जो वहां के बंदरों के नाक नोज फ्लैट होते हैं और नोस्ट्रिल दूर दूर होते हैं, नोस्ट्रिल आर फार, हमारे जो नाक होते हैं ऊपर रेज, सॉरी हमारे यहां के बंदरों के नाक रेज होते हैं और नोस्टिल नजदीक नजदीक होते हैं, नोस्टिल आर नियर। मैंने क्या कहा, हमारे नाक के दो छेद हैं, हमारे नाक की बात नहीं कर रहा, हमारे यहां के बंदरों के दो छेद हैं नजदीक नजदीक है हमारे नाक की तरह से और ऊपर उभरे हुए हैं, हमारे यहां के बंदर जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकी उनके नोस्टिल नजदीक नजदीक है, उभरे हुआ नाक है, जो साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका के बंदर जिसको हमने न्यू वर्ल्ड मंकी कहा उसके नाक फ्लैट है, ऐसे यू फ्लैट है और नाक के नोस्टिल दूर दूर है, जो ये डिफरेंस भी है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी में। जो ये डिफरेंस था मंकीज में इनमें जो है, और एलिफेंट की अगर बात करूं, दो एलिफेंट होते हैं, एक एलिफेंट होता है इन एशिया का एलिफेंट, एक एलिफेंट होता है अफ्रीका का एलिफेंट, दोनों डिफरेंस क्या है, एशिया का हाथी हमारे यहां का एलिफेंट और अफ्रीका का हाथी में डिफरेंस क्या है, हाइट ज्यादा होती है अफ्रीका वाले की,
हाइट इज मोर कंपेरेटिवली मोर, हमारे वाले से ज्यादा हाइट इनकी होती है, जो हमारा वाला जो हाथी है तो बेटा ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा जो है ना, टाइम हो गया तुम्हारा जो है। अगले वीडियो में देऊंगा मैं एलिफेंट का जो टॉपिक जो है, दोनों एलिफेंट में डिस्कस कराऊंगा, और क्योंकि बीच में छूट जाएगा जो है ना, तो इसको वीडियो में यही रख रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं जो है एलिफेंट या दूसरे एनिमल्स एनिमल लेंगे, अब एक एक करके जो है लगभग जितने भी एनिमल्स क्लासिफिकेशन वाले एनिमल थे उनको एक एक करके उठाएंगे जो है, तो एलिफेंट ले रहे हैं, एलिफेंट फिर जो है अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है बेटा।